एंड नाउ द बेस्ट क्रिएटर इन द एजुकेशन कैटेगरी और इस पुरस्कार के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख. नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट, फाइनेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं, सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं. आपको नमन. बताइए नमन. पहली बात तो प्रधानमंत्री जी थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए. मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ. जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण. तो उस टाइप की वीडियोज रहती है मेरी. प्लस इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है. अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है. तो उसी में मेरी कोशिश रहती है और मैं ट्राई करता हूं कि जितना सिंपल मेरा कंटेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है. तो मेरा जो हमारा एक रीज़न है टेक में आने में या फिर एजुकेशन में कि एजुकेट तो करना है लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़ें बतानी है, और शायद उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. एक सुझाव मैं देता हूं नमन, शायद इन लोगों में से कोई निकले उसको भी काम आ सकता है. भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है, भारत सरकार पैसे भी देते हैं और छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो, पांचवीं छठी सातवीं कक्षा की, और टेक्नोलॉजी के लिए ही है उनका साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए. लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जब मिलता हूं, क्या चीजें बना बना के लाते हैं, क्या सोच करके लाते हैं. कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लैब में जाकर के उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों को. और दूसरा मैंने देखा चंद्रयान लैंडिंग के बाद हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति बहुत बड़ी रुचि बनी है. बच्चों को लगने लगा है कि हमने साइंस मैथ की दुनिया में जाना चाहिए, और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीजें हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीजें करेंगे बहुत बड़ी सेवा होगी. प्रधानमंत्री जी मैं ये आपकी जो बात है वो जरूर मतलब उस चीज पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर श्योर. और जितनी भी चीजें होती है जितना भी हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस को लेके, मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि लोग एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं. तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे लोग अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूं. बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर. Z News.